हांगकांग की ये तस्वीर उस तस्वीर से बिल्कुल ही अलग है जिसके लिए इस जगह को दुनिया भर में पहचान मिली है। आए दिन प्रदर्शन और पुलिस से झड़प की घटनाएं यहां आम हो गई हैं। इस सिलसिले में नई कड़ी जुड़ी है हांगकांग के चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की। ऐसे ही एक प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर जोरदार झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने पेपर स्प्रे वाली बंदूक का इस्तेमाल किया, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर लेकर हांगकांग की सरकार के खिलाफ नारे लगाए। दरअसल हांगकांग में 6 सितंबर को ही चुनाव होना था। अधिकारी कैरी लैम ने 31 जुलाई को इसे एक साल के लिए टाल दिया। चुनाव के टालने का कारण कोरोना वायरस के मामलों में हो रही बढ़ोतरी बताया गया, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनकी सरकार इस बात से चिंतित थी कि यदि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव हुआ तो विपक्ष ज्यादा सीटें जीत सकता है। आपको बता दें कि हांगकांग में जून 2019 से ही लगभग हर सप्ताह सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग नए प्रत्यर्पण कानून को लेकर भड़के हुए हैं। वो संपूर्ण लोकतंत्र की मांग और हांगकांग पर चीन के सख्त नियंत्रण का विरोध कर रहे हैं।